बेचारे लड़ाई में बेचारे ही रहे तो ज्यादा अच्छा। अगर हिंसा बनाने की कोशिश करेंगे तो पूरा पूरा विश्वविद्यालय प्रदर्शन करेगा। पिछले दिनों बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सच को उजागर करने का वीडियो बनाना पत्रकारिता के छात्रों को इतना भारी पड़ गया है कि अब विभाग के लोग हर तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खेलने से भी बाज नहीं आ रहे। दरअसल पिछले सप्ताह यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा पत्रकारिता विभाग के कुछ छात्रों को इसलिए नोटिस थमाया गया था क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता विभाग के सच को उजागर करते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाकर उसे एडिट करके उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया था। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना था कि बिना अनुमति के विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने के लिए वीडियो एडिट करके डाला गया है। इस काम के लिए 4 छात्र व छात्रा को नोटिस दिया गया था। इस घटना का विरोध दर्ज करते हुए यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया, लेकिन अब इसके बाद अब छात्र छात्राओं का आरोप है कि उनको निकालने के लिए प्रशासन तानाशाही रवैया अपना रहा है। आज भी एक वीडियो सामने आ गया जिसमें छात्रों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। छात्रों से नाराज प्रशासन के द्वारा आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी छात्रों को कक्षा से बाहर निकालने के लिए पहुंच गए, जिसका वीडियो छात्रों ने बनाकर वायरल कर दिया। इस वीडियो में सुरक्षाकर्मी उसे बाहर जाने को कह रहे हैं, जबकि छात्र इस तानाशाही का विरोध करते हुए खुद को सही बता रहे हैं। ये आपका ये है कि आप डिपार्टमेंट में नहीं रह सकते, आप हमें वो नोटिस दे दो, हम चले जाएंगे। देखिए बेचारे लड़ाई में बेचारे ही रहे तो ज्यादा अच्छा। अगर हिंसा बनाने की कोशिश करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, फिर पूरा पूरा विश्वविद्यालय प्रदर्शन करेगा। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।